प्लेयर्स अभी जिंदा है और फाइटिंग पोजीशन में टीएसएम एंटिटी के जी गॉड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनके बिल्कुल पीछे आ चुके हैं और रायन एक्स फ्रॉम टीम इनसाइड आउट, बट यहाँ पे ये भी कुछ नहीं कर सकते, इनके पास लैंड एरिया नहीं है खड़े होकर शॉट फायर करने के लिए। ना दूसरा प्लेयर है जो कि इनको बता सके कि हाँ वहां पर प्लेयर, लेकिन सिक्सो यहाँ पर मेगा के स्वैग को लेकर जा रहे हैं। सिन्हा जी दूसरे आइलैंड से फाइट ले रही है क्योंकि वहां पर वो बचे थे एंड वही चीज जो उनका 100 IQ 1000 IQ प्ले था प्रॉपर वो निकल कर आता हुआ यहाँ पर मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स, वो फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्वैग को यहाँ पर रिवाइवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवाइवल आराम से दे देंगे लेकिन टीम तो प्लस के कैरी को अगर आप देखें स्मोक करके बीच के एरिया में बैठे हुए हैं। जी गॉड रुक चुके हैं, जी गॉड के पास हो रहा है ना आ चुके यहाँ पर, ये बहुत बेहतरीन एक पॉइंट रहेगी, जो प्लेयर पहले लैंडमार्क को टच कर गया वो पॉइंट निकाल सकता है। सीर भी पैराडॉक्स को भी पिक ऑफ कर चुके हैं, बहुत मुश्किल रहेगी इन फाइट्स के अंदर, ऑरायन ट्राई करे कि अगर उनको गन होल्ड हो जाए काफी फायदा रहेगा लेकिन यहाँ पर गन होल्ड जी गॉड कर चुके हैं, जी गॉड टेक्स हिम डाउन पानी के अंदर बेहतरीन तरीके से इनसाइड आउट का यहाँ पर खात्मा, लेकिन जी गॉड के ऊपर ग्रेनेड आया था कैरी ओपी का, पर कैरी ओपी को अब आना है सर्कल के साथ फाइट लेने के लिए। सातवां जोन, चार टीमें बची हैं, सात लोग जीवित और इन सब में सर्कल दूसरी डायरेक्शन में मेगा स्टार्स को फायदा देता है। अब सिनर्जी के लिए मुश्किल हो चुकी है लेकिन सीर भी अभी फाइट ले रहे हैं, मेगा वैक्सी को पिक ऑफ करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी, मेगा वैक्सी इज जस्ट सर्वाइविंग आउट देयर एंड कोर भी यहां पर है। वैक्सी को अगर आप देखें एक आखिरी फर्स्ट लगाकर उनको सारी फाइट लेनी है, स्ट्राइकर ऊपर कैरी ऊपर, इनके पास एक अपर एरिया एडवांटेज लेकिन सर्कल इनके पास नहीं है। मीनवाइल सीर भी स्ट्राइकर को पिक ऑफ कर चुके हैं, अब टीम तमिलास का एक प्लेयर बचता है जो है कैरी टीएसएम के जी गॉड, लेकिन कैरी भी डाउन हो जाते हैं। अब बचते हैं पांच लोग, सिनर्जी मेगा स्टार्स और एक अकेला जी गॉड। जी गॉड काफी देर से अपनी टीम के लिए अकेले सर्वाइव कर रहे हैं और अभी भी टॉप थ्री के अंदर अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं। लास्ट टाइम देखा था तो जी गॉड किल्स भी निकाल रहे थे, सात टोटल किल्स आ चुके हैं टीएसएम एंटिटी के पास, पांच जी गॉड के अकेले और बस उनके पास एक रॉक का काफी अच्छा कवर रहने वाला है अगर वो बीच छोड़ तक पहुंच जाते। सिनर्जी के सीर भी डाउन हो चुके हैं, दो टीम्स के ऊपर बात आ चुकी, टीएसएम एंटिटी यहाँ पे टॉप टू में पहुंच चुके हैं जी गॉड की बदौलत, सामने दो मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अगर उनको भी पिक ऑफ कर रहे थे ये पूरा गेम यहाँ पे जी गॉड के लिए क्लच रहने वाला है। उनको आइडिया है कि मेगा स्टार्स के प्लेयर्स कहाँ पे, बट ही इज लुकिंग ऑन द फ्लैंक, फ्लैंक से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ताकि वहां पे अगर कोई एग्रेशन हो तो उससे वो लोग पिक ऑफ ना हो जाए। और ये फाइनल फाइट होने वाली है हमारी इस गेम की, टीएसएम एंटिटी वर्सेस मेगा स्टार्स, एक फाइनल सैनक बॉस फाइट। यहाँ पर जी गॉड को अगर हम देखें वो फाइट आराम से ले सकते हैं, वो सर्कल के अंदर है, वो सर्कल के एरिया में, सर्कल उनके पास जाता है तो बाकी प्लेयर्स को आना पड़ेगा, बट सर्कल मेगा स्टार्स को फेवर करता हुआ अब जी गॉड के लिए मुश्किल बढ़ चुके हैं। मेगा एनकोर और वैक्सी को पता है कहां पर जी गॉड है, टीएसएम एंटिटी जी गॉड जो पहले एक टाइम पर उनकी टीम 16 पर एलिमिनेट हो सकती है 16 से सेकंड पर लाए फॉर अ रीजन, ही डज नॉट वांट टू लूज एट दिस मोमेंट राइट नाउ। ये फाइट इनके, इनको पता है, ये फाइट इनको लेनी, इनको पता है 1v2s हजारों बार की है, बस यहां का 1v2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज एनकोर और वैक्सी और इनके सामने एक सेकंड इधर दिखेगा क्या जी गॉड राइट इनसाइड पर जाना चाहेंगे स्मोक्स करके, बट आई डोंट थिंक सो कि वो अभी कोई स्मोक करना है, वो सीधा फाइट लेना चाहते हैं और फाइट के लिए मेगा स्टार्स भी तैयार है। 10 सेकंड के बाद आठवां सर्कल भी क्लोज होना शुरू होगा, 10 सेकंड बाद उस टीम को मेगा स्टार्स को भी सर्कल में आना जो ओपन में है, 10 सेकंड के बाद जी गॉड को भी सर्कल में आना, 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड और अब आता है आठवां सर्कल जो दोनों टीम्स को इक्वल डैमेज करे लेकिन जी गॉड को पहले आना, जी गॉड के लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, जी गॉड को आगे मूवमेंट करनी है पिक्सल बाय पिक्सल, ही इज मूविंग, जी गॉड जाते हैं पहले पेड़ के पास, वहां इनकोर को स्पॉट कर चुके हैं, इनकोर को डाउन कर सकते हैं, जी गॉड ट्राई टू टेक डाउन वन, यस ही डस, वैक्सी बचे हुए, जी गॉड बेहतरीन फाइट ले रहे हैं, जी गॉड गोस ऑन, मेगा स्टार्स गेट्स दैट विन इन इंप्रेसिव, टीएसएम एंटिटी सेकंड पर आकर उनका फ्लो रुकता है 7 किल्स के साथ, बट मेगा स्टार्स एक बेहतरीन फाइट, एक डोमिनेटिंग फाइट, चाहे 4 किल्स बट ये 4 किल्स बहुत इंपॉर्टेंट 4 किल्स है। 770